लेकिन कई माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे की पढ़ाई में पैसा और समय खर्च करना बेकार है। जगदीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जगदीश ने उन हालात से हार मानने की बजाय उन हालात को बदलने की ठान ली। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है या किसी की पॉजिटिविटी कंस्ट्रक्टिविटी है तो मेरे को नहीं लगता कि उसके फिजिकल चैलेंजेस कभी भी कहीं भी कोई आड़े आते हैं। डिसेबिलिटीज के साथ चैलेंज क्या होता है, वो पेरेंटल भी होता है, वो फैमिली का भी होता है और वो सोसाइटी का भी होता है। 10th के बाद जब मैं मेरठ देहरादून से एजुकेशन के लिए वापस आया तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैंने लगा क्यों, मेरे बाकी लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उनका वो अब बड़े होंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तुम्हें रोटी तो खानी है, इतना तो तुम्हें मिल गया। तो जब ये वाली प्रॉब्लम समाज में आती है तब वो बड़ी कुरेदती है किसी भी डिसेबिलिटी को और स्पेशली ब्लाइंड पर्सन को। और हमारे को क्योंकि सारी दिशाएं सुनाई देने की वजह से जो हमें हर्ट करने वाले कमेंट्स और रिमार्क्स होते हैं वो इतना हर्ट करते हैं कि या तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम सोचते हैं सुसाइड कर लें, और या इतने एग्रेसिव और चैलेंजिंग हो जाते हैं कि हम कुछ बन जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि मुझे ज़िद आ गई कि मैं तुम्हें दूंगा, तुमसे लूंगा नहीं। पहली बार मेरी मुलाकात जगदीश सर 1970 में हुई जब हम लोगों ने बीए ज्वाइन करा फिलॉसफी में। जगदीश इस चीज़ से खुश नहीं था कि वो परिवार की डोल पर रहे, वो कुछ करना चाहता था और वो उसने करा। मैं समझता हूँ कि शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का सार व्यक्ति की नज़र की जगह नज़रिए को बदलना होता है, और वो तभी संभव है जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी, साहसी, हिम्मती और आत्मविश्वासी हो। मुझे लगता था कि एजुकेशन ही एक ऐसा मींस होगा कि जो मेरी अल्टीमेट एम्स को, डिज़ायर्स को मुझे रिकॉग्नाइज सोसाइटी में कराएगा और मेरी फैमिली में मुझे स्टेटस दिलाएगा। ज़्यादातर स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड बड़े शहरों में, और डिस्टेंस की वजह से या गलत सोच की वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ दिया जाता है माँ बाप से अलग। जगदीश ने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि उनके शहर के बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। मेरी आईएएस बनने की इच्छा थी और उस समय पर डिसेबिलिटीज़ को आईएएस में नहीं लिया जाता था। जब मैं खुद आईएएस नहीं बन सकता था तो मैंने इतने सारे आईएएस प्रोड्यूस करे, जब मैं खुद आर्मी में नहीं जा सकता था तो मैंने इतने सारे आर्मी पर्सन्स इंट्रोड्यूस किए कि आज मुझे लगता है कि मेरे पास 45,000 स्टूडेंट हैं तो मेरे 90,000 आँखें हैं। मैंने रोजमेरी के बारे में काफ़ी लोगों से सुना था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने गुरु जी को सुना तो मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। मैंने फिर महसूस किया कि हाँ, आई कैन अचीव सक्सेस, क्योंकि मैंने उससे पहले भी जो मेरे प्रेडिसेसर्स थे जो वहाँ पे पढ़े थे उन लोगों की अचीवमेंट देखी, उसमें से काफ़ी लोग आर्मी में थे और बाकी दूसरी सर्विसेज में थे। तो आई कंटिन्यूड, मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक लगा रहा और सिंसियरिटी के साथ लगा रहा, और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच जाऊँ कि मैं इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से यहाँ पर पोस्टेड हूँ। हम ब्लाइंड लोगों की जो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो लेवल है वो ज़्यादा ऊपर इसलिए होता है कि हम सुन कर के बोलते हैं। यही कारण है कि मेरठ में बहुत सारे कोचिंग्स हैं लेकिन विदाउट एनी पब्लिसिटी, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट पीपल कम टू दिस प्लेस, दे ओ देमसेल्व्स एंड आई टेक प्राइड इन कि मैं उनके लिए यूजफुल, एक अच्छा सिटीजन साबित हो सकता पाया हूँ। मेरे सुबह 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट करने के साथ साथ रात को 12 बजे तक जो मेरी वाइफ ने मेरे को कोऑपरेट किया, उसका ये परिणाम है
कि एक छोटे से 10x10 के रूम से आज हम यहाँ तक अपने रोजमेरी को ला पाए हैं। दुनिया में कुछ पाना है तो स्लो बट स्टडी विंस द रेस की अगर प्रिंसिपल पर चल रहे हैं तो लोगों के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि ये रातों रात हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो परिश्रम है वो अकेले का नहीं होता। ये परिश्रम मेरा है, मेरी वाइफ का है, मेरी मदर का है। आई फील प्राउड ऑफ इट कि मैंने मेरठ कॉलेज से लेकर के और अब विश्व में, यूपी में नहीं, मेरठ में नहीं, इंडिया में नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे कि जो मुझे हर मौके पर इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं और जो कुछ भी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें सेटिस्फाई करते हैं।